यार हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे, हम दो के अलावा कोई है ही सही है नहीं। भाई, हम दो को ही चलानी है, ये तो हमारे लिए ही है बस, ये बाकी कोई नहीं चला रहा इसको। गाइस देखो, मतलब कार की डिलीवरी लेने आए अकेले। फाइनली केक कट हो चुका है, अब टाइम आ चुका है गाड़ी को रिवील करने का। चलो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइज मस्त नहा धो के रेडी हो गए, अभी हम जा रहे हैं अपनी न्यू कार की डिलीवरी लेने के, जो हमने बुक की थी ना। सिर्फ मैं जा रहा हूँ, पीयूष कल तो स्कूल गया ना, तो चलते लेने के लिए, दिखाता हूँ कौन सी गाड़ी है। चलो ओके मम्मी बाय, मैं डिलीवरी पे जा रहा हूँ, ठीक है बाय। ओ भाई क्या गर्मी हो रही है भाई, हल्द्वानी में भी बहुत गर्मी हो गई भाई। हम तो पहाड़ों पे निकल लेंगे, बस एक बार पीयूष कुनाल की छुट्टियां पड़ जाएं, फिर सीधा पहाड़ों पे ही रहेंगे एक महीना मस्त। चलो मैं बता ही देता हूँ किसकी गाड़ी है। तो गाड़ी है निर्मल भैया की, तो पहले निर्मल भैया के पास चलते हैं, और कौन सी गाड़ी भी चल जाएगा आपको पता, चलते हैं। गैस करो इतने आप। निर्मल भैया के पास पहुँच गए, अब हमारा प्लान है हम ऑटो में जाएंगे, क्योंकि हम थार लेके आएंगे ना, तो दोनों दोनों भाई मस्त थार में आएंगे, इसलिए हम ऑटो में जा रहे हैं। एक ऑटो तो आ रहा है। हाय, रोक तो दो यार, हाय करके जा रहे हैं, रोक तो दो। इसमें है ही नहीं जगह यार भाई, ये मस्त है, ऑटो वाले हाय करके जा रहे हैं, रोक नहीं रहे, ऑटो वाले हाय कर रहे हैं सब। तो स्कूल वैन में चले, रोक दो भैया, रोक दो, रुक गया रुक गया। फाइनली महिंद्रा महिंद्रा, फाइनली ऑटो मिल चुका है हमको, सीधा महिंद्रा। बहुत टाइम लग गया गाइस, हमने काफी टाइम से बुक कर रखी थी। हाँ, बहुत टाइम लग गया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लेकिन फाइनली आज आ चुकी है, महिंद्रा पहुंच चुके हैं। तो गाइस फाइनली महिंद्रा पहुंच चुके हैं और हमारी गाड़ी रेडी है भाई, पीछे खड़ी है, देखो पीछे ब्लर दिख रहा होगा आपको, लेकिन वो गाड़ी है। तो गैस करो कौन सी, अभी आपको चल जाएगा पता। और मतलब महिंद्रा की है, तो महिंद्रा में तो हमारी फेवरेट, तो आप गैस कर सकते हो कौन सी फेवरेट है हमारी महिंद्रा में। तो मैंने जिया जी को बुलाया, जिया जी आ रहे हैं, वो पूजा वगैरह करेंगे। वैसे समझ में आ रहा होगा शेप से कौन सी कार है ये, एक्साइटेड रिवील करने के लिए। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत टाइम वेट कर लिया इसके लिए। यार हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे, हम दो के अलावा कोई है ही नहीं। सही है भाई, हम दो को ही चलानी है, ये तो हमारे लिए ही है बस, ये बाकी कोई नहीं चला रहा इसको। आपके घर वाले कहाँ हैं, घर वाले कहाँ आपके? घर पे अपने काम में लगे सब, अपने अपने काम। उनका एक्साइटमेंट नहीं है क्या यार? एक्साइटमेंट आते जाते रहती है ना, वो तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, आदत नहीं है ना इन सब चीज़ों। गाइस देखो, मतलब कार की डिलीवरी लेने आए अकेले, यार एक्साइटमेंट वो अंदर ही अंदर होती है बस भाई। भाई पहली बार ऐसे देखा, देखो अकेले कार डिलीवरी अकेले। हाँ बाइक की भी अकेले आया था मैं तो, मुझे लग रहा है निर्मल भाई के लिए केवल टॉय लग रहा है, मुझे जिस हिसाब से कह रहे हैं ना कि कोई नहीं आया है, तो ये टॉय लग रहा है, बट फिर भी सुना भाई यार बम्पर से चल रहा है, पता कौन सी है? पता तो चल ही रहा है, लेकिन कलर कौन सा है? केक भी आ गया है, बड़ी वाली चाबी भी आ गई है। चलो भाई और लोग आ गए हैं, भाई जिया जी आ चुके हैं। राधे राधे सबको, फाइनली केक कट हो चुका है, अब टाइम आ चुका है गाड़ी को रिवील करने का। चलो चलो, तो गाइस ये हमारी न्यू ब्लैक थार, देखो भाई क्या मस्त लग रही है। तो गाइस फाइनली डिलीवरी ले ली है, अब चले फिर, चलो चलाओ फिर चलाओ। भाई क्या लग रही है यार ब्लैक कलर की, गाइस का लोगो देखो, न्यू वाला लोगो है इसमें। अब मेरे पास दो थार हो चुके हैं, रेड भी और ब्लैक भी, अब मस्त लेके चलेंगे दोनों थार्स को। लेकिन गाइस ये है डीजल मैनुअल, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये देखो इसमें गियर है, ऑटोमेटिक नहीं है। चलो भाई निकल गए न्यू थार लेके, अच्छा सा लग रहा है नई थार में बैठ के मस्त, नई नई खुशबू आ रही है। अपने दिन याद आ गए जब अपनी थार ली थी ना, तब यही खुशबू आ रही थी। न्यू थार को लेके सोसाइटी पहुंच चुके हैं, और ये खड़ी अपनी रेड थार। गाइस कुनाली स्कूल से आ गए, कुनाली न्यू थार ले आए ब्लैक कलर की, पीयूषी न्यू थार आ गई, फाइनली न्यू थार आ गई, हाँ हाँ बधाई हो, बधाई हो निर्मल भैया को, बधाई। कौन सी बड़ी लग रही है, इनकी बड़ी लग रही है? अरे ब्लैक थोड़ी बड़ी लगती है। गुब्बारा कहाँ से लेके आ रहे हो? आगे से आप भी ऐसी कर लेना। तो फिलहाल अभी लंच करते हैं, आज निर्मल हमारे घर पे ही लंच कर रहे हैं, और आज खाने में बहुत कुछ है, देखो आपकी थारी खुशी में। अब नेक्स्ट धार्मिक यात्रा पे कब चल रहे हो? केदारनाथ चलेंगे आप? बहुत जल्दी हाँ। अब केदारनाथ बहुत जल्दी चलेंगे। तो गाइस लंच कर लिया है, अब चलते हैं अपने फॉर्च्यूनर लेने के लिए, फॉर्च्यूनर वहीं खड़ी है ना। गाइस अब देखना इन दोनों थार का कंपैरिजन करेंगे, रेस भी करेंगे, देखते हैं हमारी वाली जीतती है ये ब्लैक वाली जीतती है। देखते हैं ये डीजल है वो पेट्रोल है, और काफ़ी सारी चेंजेस है, ये नई है वो पुरानी है, तो देखते हैं कौन सी जीतेगी, और
कंपैरिजन करेंगे पूरा अच्छे से, ऑफ रोडिंग का कंपैरिजन भी करेंगे, देखते हैं ऑफ रोडिंग में कौन सी बेस्ट रहती है, रेड वाली या ब्लैक वाली। वैसे ऑफ रोडिंग के लिए तो आपकी बेस्ट है क्योंकि मैनुअल है ना, मैनुअल है आपकी, ऑफ रोडिंग के लिए आपकी बेस्ट है। रेस में मेरी जीत जाएगी, ये क्यों जीतेगी, ऑटोमेटिक है, मेरे को गियर मारने पड़ेंगे ऐसे ऐसे, उसकी दिक्कत अगर ये ऑटोमेटिक होती तो। पेट्रोल फास्ट होती है, पेट्रोल वैसे भी फास्ट, हमने डीजल लिया क्या, कोई नहीं करके देख लेंगे, करके देखेंगे। गाइस इसमें टायर देखो कितने मस्त वाले टायर दिए इन्होंने, पूरी ऑफ रोडिंग वाले टायर दिए, लेकिन मेरी वाली में नहीं है, देखो मेरी वाली में नॉर्मल टायर है। मैं भी टायर चेंज करूंगा, टायर जल्दी चेंज करूंगा मैं तो। अनबॉक्सिंग करते हैं, तो गाइस चलो अनबॉक्सिंग करते हैं ये गिफ्ट की, महिंद्रा वालों की तरफ से आया जो हमको गाड़ी की डिलीवरी पे। चलो इसमें पहले फेरेरो रोसर, अबे इतनी सी है, मेरे को लगा पूरी में यही है। बताओ थोड़ा इसमें क्या होगा, वो बटुआ निरोड़िया, हां अरे ये तो पेपर रखने के लिए, अरे हमको नहीं मिला था, देखो डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए इसमें, सारे डॉक्यूमेंट्स हमको नहीं मिला था ना, इसमें लाइसेंस रख सकते हो, कहीं आरसी पॉल्यूशन वगैरह सब रख सकते हो इसमें आप, हम की चीज है। और हमारे पास आता है एक मग, लो चाय पीना इसमें, और एक लो कपड़ा गाड़ी साफ करना, अब जाना है पंचर लगवाने के लिए इसमें। ओके बाय, कांग्रेचुलेशन गाइस। अभी एक और प्रॉब्लम हो गई है, इसका एसी खराब हो गया, फॉर्च्यूनर का बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा है, एक तो बार बार पंचर होता है इसमें और एसी खराब हो गया। तो भी आ गए पंचर लगवाने के लिए, और देखो भाई टायर में इतने क्रैक आ रखे ना, इधर भी क्रैक है, इधर भी क्रैक है, बहुत क्रैक है, इधर भी क्रैक है। फाइनली पंचर मिल गया, ये देखो हवा निकल रही है, पंचर लग गया है, फाइनली पंचर लगा के आ गए हैं। अब इसका एसी वाला काम करवाना है जो कि रॉन्ग है, जो सर्विस होने वाली है इसकी। ये देखो 40,000 किलोमीटर होने वाले, बस 600 किलोमीटर रह गए। तो भैया इस घर आते हैं, हमको सरप्राइज मिला, बॉक्स, पता नहीं इसमें क्या है, किसने क्या भेज दिया, तो देखते हैं। अरे गिफ्ट परफ्यूम है, नहीं रूम फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर भाई, एकदम खुश जन्नत में आ गया, अब तो रियल वाले जन्नत में आ गया ऐसा लग रहा है। गाइस हमको समझ में आ गया, ये जो है ना ये इसके अंदर लगता है, ये भी हमने खोल के देखा, देखो ये खुलता है, ये इसके अंदर सेल डलते हैं, देखो दो सेल भी हैं इसमें, सेल भी है इसमें, देखो इसके बीच में लगेगा, अब इसको बंद कर दो, 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट, अच्छा खुद स्प्रे करेगा ये, 20 मिनट का कर दो, 20 मिनट या 40 मिनट करते हैं भाई, ज्यादा 457 पे चेक करेंगे इसको, यहीं पर रख दो, अगर स्प्रे होगा तो दिख जाएगा। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं, आम पापड़ है, हैं आम पापड़, लोगों को पता है हमको आम पसंद है, आम आम की चीज आ रही है आजकल, अरे अरे तो फेवरेट होता है, बचपन में खाता था, बचपन में स्कूल में। मैं जितना खोलू, नहीं 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 सारे मत खोलो, एक ही खोलो, एक में से खाएंगे। ये देखो भाई, थैंक यू गाइस जिसने भेजा है, कोई 10 मिनट होने वाला है, स्प्रे होने वाला है, कैसे करेंगे देखना, स्प्रे होने वाला है, कर दा, ओम करने वाला है। हमने काम नहीं किया क्या, इसके अंदर सेल की सील नहीं निकाली सच्ची, ये देखो अबे यार अच्छी, ये देखो मैं आपके लिए मस्त चीज है, ये खुद स्प्रे करेगा पता है आपको, ऐसे। तो गाइस अभी जिया जी सबकी कुंडली देख रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं सब क्या क्या दिक्कत है। तो गाइज अब मैं जा रहा हूँ बोबे के पास में स्काई डेक, उनके रूम्स बन रहे हैं ना वहाँ पे, तो वो भी बोबे आजकल वहीं पे बिजी हैं इसलिए घूमने नहीं आ पा रहे हमारे साथ में, चलते हैं उनसे मिलते हैं वहीं पे। अब देखना सोसाइटी के बाहर खड़े होंगे सब्सक्राइबर्स, ये खड़े हैं ये बाइक पे देखो। तो गाइज मिल लिया मैं उनसे, फोटो भी खिंचवा लिए, वो भी यूट्यूबर थे, वीडियो बनाई उन्होंने, तो बस ना काफ़ी लोग ना रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको वीडियो में ले लो, मैं सोसाइटी के बाहर वीडियो नहीं बनाता इसलिए, ताकि मेरी वीडियो देख के फिर और लोगों को लगेगा कि मैं प्रमोशन करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो और भीड़ लगी रहेगी। वैसे मैं जब भी निकलता हूँ ना तो भीड़ लगी रहती है, मतलब लोग मिलते ही मिलते हैं जब भी, मैं मना करता हूँ बट फिर भी, मतलब मैंने एक चीज़ देखी है, पता नहीं क्या भगवान की कृपा है, जो मेरे साथ में व्लॉग बनाते हैं ना सबके वीडियो वायरल होते हैं, सबके व्यूज़ आते हैं भाई, 2-3 लाख, कई लोग 1-1 मिलियन तक चले जाते हैं, और जो नेगेटिव डालते हैं उनके तो जाते हैं भाई 1-1 मिलियन व्यूज़, जो बोलते हैं कि एटीट्यूड है इसमें मिलता नहीं है, इसने ऐसा बोल दिया, बोला कुछ नहीं होता मैंने, तो प्लीज़ इस तरह से मत किया करो गाइस नेगेटिव वाले, क्योंकि यार मुझे भी बुरा लगता है यार, मैं भी इंसान हूँ यार, कोई मेरे बारे में नेगेटिव डालेगा ऐसे बिना बात के तो बुरा तो लगेगा ही नहीं, आपको तो व्यूज़ मिल जाते हैं लेकिन सामने वाले पे क्या बीतती है ना, वो समझा करो प्लीज़। गाइस बॉय भी है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उनसे मिलता हूँ, सारी बातें करता हूँ, पता नहीं ज़्यादा टाइम कैसे निकल जाता है, इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वो काफ़ी बड़े भी हैं, निर्मल भैया भी हैं बट निर्मल भैया थोड़े अपने एज के हैं ना, तो उनके साथ में थोड़ी मस्ती वस्ती करते हैं, थोड़े वो करते हैं, लेकिन बॉय भैया के साथ में थोड़ा सीरियस बातें, थोड़ा सीरियस लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, ये सब बातें भी होती हैं। और गाइस बहुत सारी ऐसी बिहाइंड द सीन चीज़ें भी होती हैं जिसमें बॉय भैया और निर्मल भैया दोनों काफ़ी हेल्प भी करते हैं, एक होता है ना निस्वार्थ होकर अपना सारा काम छोड़ के भाई आ जाते हैं, मतलब हेल्प करने के लिए कुछ, मतलब वो वाले फ्रेंड हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, और बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे दोस्त भाई।
बॉम्बे के अड्डे पहुंच गए। गई आज तो बहुत लेट हो गए, देखो 10 बजने वाले हैं। 10 बज गए? 10 बजने वाले हैं, मतलब पता ही नहीं चला बातें करते करते। भाई तुम्हारा डिनर आ गया, आज खाएंगे मलाई कोफ्ता। ये मलाई कोफ्ता और मिस्सी रोटी और सैलेड, बस सिंपल। ये बताओ अपने हाथों कब खिला रहे हो, अपने हाथों कब खिला रहे हो? अपने हाथों जब जंगल जाएंगे वहीं बनाएंगे। गाइस आज तो डांट पड़ने वाली है, टाइम देखो भाई 11 बजने वाले हैं। 11 बज गया? हां, टाइम को पता नहीं चल रहा है, टाइम को पता ही नहीं चल रहा भाई आज। चलो कोई नहीं, डिनर साथ कर लिया, कुछ बातें हो गई हैं, अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं। कभी कभी तो थोड़ा लेट भी हो जाना चाहिए। हां गाइस मैं डेली लेट नहीं होता कभी भी, कभी कभी, लेकिन पेरेंट्स जो है ना, पेरेंट्स तो चिंता करेंगे यार। हाँ, पेरेंट्स तो चिंता करेंगे। माँ माँ होती है, माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है, है नहीं? माँ माँ होती है, माँ को सबसे ज़्यादा चिंता बच्चे की अपनी माँ को होती है। हाँ गाइस देखो ऐसे समझाते हैं, ऐसे समझाते हैं वो भी है। मैं तुम्हें भी देखता हूँ, तुम अपनी माँ की जितनी केयर करते हो ना, मतलब बहुत कम होते हैं ऐसे। अच्छा। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो मम्मी से। अच्छा, अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा। और हर माँ सोचती है कि मेरा बच्चा ऐसे ही हो, सौरभ जोशी। रियली कई बार क्या होता है ना, मैं वीडियोस देखता हूँ, मतलब तेरा मम्मी के साथ बहुत अट्रैक्शन होता है, मम्मी को तो बड़ा, मैं गौर करता हूँ कई बार इन चीज़ों का ना, तो तब मुझे देख के लगता है कि हर माँ जो है ये सोचती होगी। चलो फिलहाल अब निकलते हैं, 11 बज गए भाई, 11:30 बजे तक पहुँचूंगा। अब डांट पड़ेगी भाई घर जाते ही। वो भी जाएंगे अपनी फॉर्च्यूनर में, हम जाएंगे अपने फॉर्च्यूनर में, मिलते हैं फिर। चलो ओके ओके। ये देखो अभी तक नहीं सोया, क्या फिर 11 बजे स्कूल जाना है कल। तो भी गाइस रात के 12 बज चुके हैं, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, स्लो करता हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुनाली की बताओ, कुनाली की कुंडली बताओ। पुरानी की भी है कोई? कुनाली कुंडली। अच्छा कुंडली, कुनाली कुंडली। मैं जो सोचा तेरी कोई गर्लफ्रेंड के बारे में बताना। तेरी है कोई गर्लफ्रेंड? अभी तो तू कह रहा था कौन सी वाली की बताऊं। The look in your eyes, you can't hide it. Oh baby, I know I turned.